हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पिनाको स्टडी ग्रुप। तो फाइनली जैसे हमने कल बात की थी कि यूपीएससी में एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज यूपीएससी की वेबसाइट पे आ चुका है। तो आप सब चेक कर सकते हैं ऑन द upsconline.nic.in पे, और उसके आगे फर्दर आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में, इसका एक अलग से कॉलम बना होगा। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, इसका एज क्राइटेरिया और फर्दर थिंग्स। जैसे हमने कल बात की थी तो देर आर 421 वैकेंसीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अकाउंट ऑफिसर्स इन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको सब कैटेगराइज किया गया है एससी एसटी ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा एंड अनरिजर्व में। अब इसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम एज फॉर जनरल कैटेगरी है 30। आगे आपको पता है कि एस सी और एस टी और ओ बी सी के लिए जो फर्दर रिलैक्सेशन दी जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंट। क्लियर। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल में लेवल 8 आपका पे स्केल है ऑन द 7th पे कमीशन पे। क्लियर, तो 8th पे कमीशन है और दिस अ जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब। क्लियर है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। क्लियर, यू हैव टू ग्रेजुएट किसी भी डिग्री में तो यू आर एलिजिबल। उसके बाद डिजायरेबल है कि इनको प्रेफरेंस दी जाएगी बट नॉट मैंडेटरी। बैचलर डिग्री इन लॉ, इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री इन लॉ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोस्ट एंड मैनेजमेंट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स लीगल मैटर इन एनी गवर्नमेंट ऑफ लिस्टेड और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये डिजायरेबल है कि इनको प्रेफरेंस दी जाएगी बट दीज आर नॉट मैंडेटरी। क्लियर, और आपके मैंडेटरी क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दैट इज यू हैव टू बी ग्रेजुएट। ठीक है, तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। उसमें बात करते हैं फर्दर इसमें ड्यूटीज क्या क्या है। ड्यूटीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर इंटर आलिया आर लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर्स विच इंक्लूड्स द स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक कंडक्टिंग इंक्वायरी, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक एंड रिकंसिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट। क्लियर, तो देर आर सम ड्यूटीज। अब फर्दर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्लियर, एंड द ऑफिसर्स रिक्रूटेड आर लाइबल टू पोस्टेड एनी वेयर इन इंडिया। क्लियर, और इसकी जो क्लोजिंग डेट मैंशन की गई है वो की गई है इवनिंग के 6 बजे और 31st को। क्लियर, तो 31st Jan इज द लास्ट डेट, और जो लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग और कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 1st February 2020। क्लियर, अब फर्दर बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड इज 2 ईयर एंड तो ये इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 4th October को। ठीक है, तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज टुडे इज 11th of Jan। क्लियर, तो एग्जैक्टली हमारे पास 9 मंथ्स हैं। क्लियर, तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब इसमें एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में आपका एक सिंपल प्री एग्ज़ाम होगा एंड एक इंटरव्यू होगी उसके बाद। तो द टेस्ट विल बी अ 2 आवर ड्यूरेशन and all question will carry equal marks. The test will be objective type with a MCQ and it will be in Hindi and English language. There will be penalty for wrong answers, ठीक है, and 1/3 penalty होगी। उसके बाद syllabus की बात करते हैं क्योंकि just one exam है और एक exam के बाद उसके बाद interview होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी weightage, the recruitment test and interview carry weightage in the ratio of 75:25। ठीक है, अगर इसको बात करें 3 और 1 की रेशियो में तो 3 रेशियो मिलेगी रिटर्न एग्ज़ाम के लिए और 1 रेशियो मिलेगी आपको इंटरव्यू के लिए। क्लियर, अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आएगी जनरल इंग्लिश टू इवेल्यूएट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। लास्ट एग्ज़ाम में जो पेपर ये 2016-17 के आसपास हुआ था उसमें इंग्लिश बहुत ईजी आई थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री का जो टॉपिक है, तो यू कैन रीड स्पेक्ट्रम बुक फॉर दिस। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लेंगे तो दिस इज इनफ फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट इज करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू। इसमें करंट इवेंट्स में हम
बात करें यूपीएससी, तो आपको पता ही है, अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो मिनिमम हमें 1 ईयर के करंट अफेयर्स याद करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप 1 ईयर्स के लेकर चलिए। नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें इकोनॉमी में हमें बात करते हैं आप, करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और स्टैटिक पार्ट्स भी आ सकते हैं। तो इसमें हम ज़्यादातर फोकस करेंगे करंट पे, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज वेरी डायनामिक। नेक्स्ट इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। तो हम विद इन अ 2 to 3 डेज एक कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, जिसमें हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट होगा आपका टॉपिक जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यू कैन रीड अ लूसेंट बुक, वेरी गुड बुक फॉर जनरल साइंस, जिसमें आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन भी गिवन है। नेक्स्ट इज जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपका रीजनिंग आ जाएगी और क्वांट्स आ जाएगा, क्लियर है। आर एस अग्रवाल आर सफिशियंट। एंड द लास्ट इज सोशल सिक्योरिटी, तो इसमें आप कोई भी सोशल सिक्योरिटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो देयर आर 9 सब्जेक्ट्स, ठीक है, और 120 इसमें क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा ये, ठीक है, 2 आवर्स का। और वेटेज हमने डिस्कस कर ही लिए, और आपको ये भी बता दें एग्जाम होगा 4th of October 2020 को, क्लियर। और देर आर सम सेंटर, जैसे हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के लिए आपका एक ही सेंटर रहेगा मोस्टली, वो चंडीगढ़ रहेगा, क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स अंडर यूपीएससी ईपीएफओ ईयू एंड ईओ जॉब प्रोफाइल। एंड अगर फर्दर इसमें बात करें तो जो इसकी फी है वो बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 25 रुपी, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी। एंड ओबीसी के लिए भी 25, एससी एसटी एंड वुमेन को ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लियर। तो बाकी आप नोटिफिकेशन एक बार खुद भी पढ़ लीजिए, एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर दिस जॉब। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।